विराट कोहली के आउट होने से एडिलेड में छाया मातम, पिंक बॉल के आगे बेबस दिखे किंग। केएल राहुल और गिल के बाद किसी ने नहीं जमाए पैर, कप्तान रोहित शर्मा भी हुए फ्लॉप। रेड्डी ने अकेले दम पर दिखाया जलवा, स्टार्क ने 5 विकेट चटकाकर बैकफुट पर धकेला। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला पिंक बॉल टेस्ट, जिसके नाम से टीम इंडिया कहीं न कहीं कांपती है, क्योंकि जिस तरह से इसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड रहे ना, वो थोड़े से डरावने हैं। लेकिन आज की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत कर की। टॉस जीतने के बाद उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी का फैसला पूरी तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि भारतीय टीम 200 रन तक नहीं पहुँच पाई। लेकिन शुरुआत में यशस्वी जायसवाल पहली गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद केएल राहुल और शुभमन गिल ने जरूर पैर जमाए थे, लेकिन एक वक्त था जब टीम 67 रनों पर एक विकेट थी और 81 रन पर पहुंचते टीम इंडिया ने 4 विकेट खो दिए, यानी 12 रन पर टीम इंडिया ने 3 विकेट खो दिए। तो कैसे हुआ टीम इंडिया के साथ ये खेला, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं। शुरुआत करते हैं यशस्वी जायसवाल से। जायसवाल शुरुआत करने आए, स्टार की पहली गेंद पर LBW आउट हो गए। अंदर आती गेंद पर उन्होंने जाकर केएल राहुल से पूछा कि क्या मैं सच में LBDRS लेना चाहिए नहीं, तो इस पर केएल राहुल ने उन्हें साफ कर दिया कि हां आप पूरी तरह से आउट हैं, और जिसके बाद फैसला भी देखा गया कि वो सच में आउट थे। इसके बाद केएल राहुल और साथ में शुभमन गिल ने 67 रनों की साझेदारी की। इस साझेदारी में बहुत कुछ देखने को मिला। केएल राहुल 20 गेंदों पर तक खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन 19वीं ओवर की पहली गेंद पर वो कह सकते हैं कि एक बार आउट होते हैं, लेकिन जब वो बोलाइंड आते हैं तो आउट तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि गेंद नो बॉल थी और साथ में उनके ग्लव्स में लगी भी नहीं होती है। इसके अलावा अगली गेंद पर फिर से वो कह सकते हैं उनका कैच ड्रॉप होता है जो उस्मान ख्वाजा छोड़ते हैं। उसके बाद फिर केएल राहुल मुड़कर नहीं देखते, 35 रनों की शानदार पारी खेलते हैं, लेकिन इसी दरमियान स्टार की एक उछाल लेती गेंद पर वो आउट हो जाते हैं। शुरुआत यहीं से होती है, टीम इंडिया 69 रनों तक पहुंच चुकी होती है और यहीं पर दूसरा झटका लगता है। इसके बाद तो मानो विकेटों का पतझड़ शुरू हो जाता है। उसके कुछ देर बाद 7 रन बनाकर विराट कोहली आउट हो जाते हैं। विराट कोहली जब आउट होते हैं तो एक वक्त लगा कि एडिलेड में मातम छा गया, क्योंकि विराट कोहली के जिस तरह से एडिलेड में रिकॉर्ड है वो शानदार है। इसके बाद थोड़ी देर बाद गिल आउट हो जाते हैं। गिल के आउट होने के बाद कह सकते हैं ऋषभ पंत और रोहित शर्मा एक पहले सीजन के बाद दूसरे सीजन की शुरुआत करते हैं, लेकिन यहां पर रोहित शर्मा चलता बनते हैं 3 रन बनाकर। बाद में अगर बात करें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। नीतीश रेड्डी और अश्विन ने जरूर पारी को संभाला था, दोनों ने 22-22 रन की कह सकते हैं शुरुआती पार्टनरशिप की थी, लेकिन फिर अश्विन 22 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। कह सकते हैं कि नीतीश रेड्डी अकेले खड़े रहते हैं, पहले उनका साथ देते हैं जसप्रीत बुमराह, फिर देते हैं सिराज, और कह सकते हैं नीतीश रेड्डी एक बार फिर से संकट मोचक बनकर आए टीम इंडिया के लिए। टीम इंडिया जहां 150 रन नहीं पहुंचने वाली थी, उन्होंने टीम इंडिया को 180 के पार पहुंचा दिया और खुद अर्श तक लगाने से चूक गए। अगर बात करें नीतीश रेड्डी की, तो रेड्डी ने यहां पर कमाल की पारी खेलते हुए मात्र 54 गेंद पर 42 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 3 छक्के और 3 चौके देखने को मिले। आज टीम इंडिया की पारी में सिर्फ 3 छक्के लगे और ये तीनों छक्के किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश रेड्डी ने लगाए। रेड्डी ने जिस तरह का खेल दिखाया वो कमाल का था। एक वक्त ऐसा लगा था मिचेल स्टार्क 5 विकेट लेकर छाती चौड़ी करके घूम रहे थे एडिलेड में, लेकिन उसके बाद ऐसा छक्का लगाया कि मतलब मोमेंट ही बदल गया। बाद में बोलेंड को एक ओवर में 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, और कह सकते हैं कि ऐसा लगने लगा कि टीम इंडिया बड़े आराम से 200 तक पहुंच जाएगी, लेकिन फिर अचानक से वो आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया की पारी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिलहाल अब आपको क्या लगता है, क्या एडिलेड का टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम जीत पाएगी नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।